नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। देखो, पंजाब पुलिस की भर्ती वास्ते सीएम भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है। बस वेट यह है कि कदों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। काफी सोर्स ये कह रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट तक जी इस भर्ती का नोटिफिकेशन पक्का रिलीज हो जाएगा। इस करके बच्चे काफ़ी सवाल कर रहे हैं एग्जाम के रिलेटड, एग्जाम क्वालीफाई करने की स्ट्रैटेजी के रिलेटड, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, एग्जाम की स्ट्रैटेजी की रहेगी, तो सिलेबस की हो सकता है एंड इस सिलेबस में चेंजेस की हो सकता है, इस रिगार्डिंग मैं पहले ही तुम्हें वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। जो तुम वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं पूरी डिटेल में लिंक दे देंगे एक वीडियो का, वह वीडियो विजिट कर लो, तुम्हें पूरी जानकारी तो उस मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आप गल करेंगे फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड की होगी, मतलब जो भी कैंडीडेट पंजाब पुलिस की भर्ती देखना चाहता है उस शरीरक योग्यता की होनी चाहिए। सब तो पहले इतने नोट कर लो, तुम जो मेल कैंडीडेट ने उसकी हाइट कितनी दसी है, इतने 5 फुट 7 इंच। दोस्तों, यह 2021 का नोटिफिकेशन है, तो सेम फिजिकल जोड़े स्टैंडर्ड्स ने यही रहने जी 2022 भर्ती आएगी उस भी। तो फीमेल कैंडीडेट वास्ते 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए है। एंड एग्जाम क्वालीफाई करन तो बाद जो फिजिकल टेस्ट होगा वह मेल कैंडीडेट तो एक्स सर्विसमैन वास्ते की है, 1600 मीटर की रेस है, 6 मिनट 30 सैकेंड रेस कढ़नी है। ईजी है दोस्तों, प्रैक्टिस लाओ निकल जाएगी। तो इस अलावा उससे लोंग जंप होगी 3.80 मीटर की, जिससे तो 3 चांस मिलने। इस तो इलावा हाई जंप होगी 1.10 मीटर की, इस दे 3 चांस मिलने। एंड फीमेल कैंडीडेट वास्ते गल करिए 800 मीटर रेस होगी, 4 मिनट 30 सैकेंड रेस कढ़नी है, तो 1 चांस इसका मिलेगा। इस तो बाद लोंग जंप 3 मीटर की होगी, तो 3 चांस इसे तो मिलने। तो हाई जंप होगी 0.95 मीटर की होगी, तो 3 चांस तो फीमेल्स में भी इसने मिलने। हूँ ओवरऑल प्रोसैस की है, सब तो पहला एग्जाम होगा दोस्तों, जिस रिगार्डिंग मैं तुम्हें पूरी इनफॉर्मेशन पहले ही दे दी है। उस तो बाद जे भी बच्चे एग्जाम क्वालीफाई करेंगे उन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिए सद्या जाएगा, जिस जी डिटेल है तुम्हें दसी है, 800 मीटर रेस, लोंग जंप, हाई जंप, यह सारे अपने तो करवाएंगे वो। तो जे ये भी क्वालीफाई कर लेना फिर तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का सिस्टम चलता, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाती है फिर मेडिकल का सिस्टम चलता, मेडिकल क्लीयर होने तो बाद अपना जो ज्वाइनिंग लैटर अपन प्रोवाइड हो जाते हैं। जो होर कोई सवाल है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो वीडियो में कमेंट कर दो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके या टैलीग्राम से ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता है।